क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में सरकार ने 3 सप्ताह में मांगा जवाब। हाई कोर्ट ने दी रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने की छूट। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों का हमारे एस्टी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आए हैं वो बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। पूरी खबर हमारे पास भास्कर नेटवर्क न्यूज़ से आई है, जो जनवरी 30 जनवरी 2020 की एक लेटेस्ट न्यूज़। पूरी न्यूज़ सुनाने से पहले दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो पर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी लाखों रुपए की जमा पूंजी पाने को तरस रहे निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ दायर एक याचिका में राज्य एवं केंद्र सरकार सहित RBI और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिकों को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने नोटिस की एक प्रति सभी पक्षकारों को रजिस्टर्ड डाक से भेजने की छूट दी है। न्यायाधीश अरुण संभाली की एंकल पीठ ने दुष्यंत दबे व उनकी पत्नी गिरिजा ठाकुर दबे की संयुक्त याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता देव किनंदन व्यास ने अदालत में बताया कि दबे ने अपनी पत्नी के नाम पर 1 लाख रुपये की मियादी FD आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 36 महीने के लिए ली थी। सोसाइटी द्वारा FD के मैच्योर होने के डेढ़ लाख रुपये देने का दावा किया गया था। इस बीच SOG ने अप्रैल मई 2019 में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों का घोटाला उजागर किया और इसके चलते सोसाइटी के मालिक गिरफ्तार हो गए। ऐसे में उनकी राशि संकट में पड़ी है। अधिवक्ता व्यास का कहना है कि केंद्र सरकार ने ऐसे निवेशकों का धन बचाने के लिए बैंकिंग ऑफ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट लागू कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार के सिवाय समक्ष अधिकारी नियुक्त करने में अभी कुछ नहीं किया। जबकि एक्ट के में निवेश की जमा राशि प्राथमिकता से दिलाने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति कुर्क करने और त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के भी प्रावधान है। उन्होंने सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई का याचिकाकर्ताओं को उनकी जमा राशि दिलाने की गुहार लगाई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश जस्टिस वरुण संभाली ने सहकारिता विभाग समक्ष प्राधिकारी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करने वाले केंद्रीय रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापकों को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको एस्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए US खान को दो इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।